आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है, तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखाई देने लगते हैं। वे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं और न ही वे एकाएक आकाश में प्रकट होते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं, पर सूर्य की चमक दमक के आगे उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और वे दिन में दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने का अगर हम दुस्साहस करें तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, किंतु वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना तेज लगेगा। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वे मंद लगते हैं। और चंद्रमा का प्रकाश भी खुद उसका अपना नहीं है, बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है, सूर्य से ग्रहण किया प्रकाश है। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्वपूर्ण बातें देखी। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, पर एक तारा ऐसा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नजर आता है। वही है ध्रुव तारा, जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व दिया गया है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया न जा सके। वह ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी घटनाओं को लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मीमांसा भी आगे चलकर हो ही जाती है, और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती है। 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षकों की यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं, जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता। एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाकर देखो, गेंद की सतह पर 2 बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया था। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने यह दलील दी, जिस प्रकार नदी के तट पर स्थित स्थिर वस्तुओं, पेड़, मकान आदि को नाव में बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर घूमती है। घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नजर आते हैं, लेकिन तत्कालीन एवं आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने सही दलील का समर्थन नहीं किया और दुर्भाग्य से इस विचारधारा को 10 शताब्दियों तक उपेक्षित रहना पड़ा। 16वीं सदी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दोलायमान होती गई। आज हम यह जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है और यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तथ्य भी छिपा है। जब तुम एक लट्टू को घुमाते हो तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है? नहीं, वह भी धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घुमा करती है। इसी तरह पृथ्वी की धुरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। वह
हुआ कि सर्वदा यह धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। करीब 5000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय अटल स्थान था थुबैन तारे का। इसी प्रकार भविष्य में 11000 वर्षों के उपरांत ध्रुव के बजाय वेगा अटल तारा होगा। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें, तो हमें एक और बात दिखाई देगी। वह यह कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा, यानी तारों के पटल पर कुछ इन्हें गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। जो इन्हें गिने अपवाद है उन्हें ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लैनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि इन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। तारा पटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे जाते दिखाई देते हैं। ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव ने यह धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते हैं। फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो हो सकता है उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। ग्रहों के घूमने की पहली सूची 17वीं सदी में, जब योहान केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा पूरा विवरण दिया, और उसी सदी में आइजक न्यूटन ने उन 3 नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिवान एवं स्वेच्छाचारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। अतः जिस भ्रामक धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया उसका अब कोई सबूत नहीं रहा। ग्रह और तारों का फर्क स्पष्ट हो चुका है। हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफी निकट है, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण उन्हें और दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। यह संभव है कि अन्य तारों की भी ग्रह मालाएं हों। ग्रह पास है, तारे दूर है, लेकिन ये दूरियां हैं कितनी लंबी? सन 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद ने तारों की दूरियां नापने के लिए पैरेलैक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां आज हम नाप सकते हैं। किंतु आकाश में हम जिन तारों को अपनी आंखों से देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक है कि उन्हें नापने के लिए पैरेलैक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होती है। आज ऐसी स्थिति है कि जो तारा हम देख सकते हैं उसकी दूरी पैरेलैक्स विधि से नाप नहीं सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते हैं।